अगले ने गाड़ी जो है वो पुश स्टार्ट करा दी है, अनलॉक होती है ना जी, तो ये साथ फोल्ड हो जाएंगे। आपकी जो डिक्की है ना हाँ, वो भी चाबी से खुलेगी। ये भी एक्चुअली जापान में या दूसरी जगहों पे ना ये यारिस का फर्स्ट जनरेशन कहलाया जाता है। जो लांसर है ना हाँ, वो कैटेगरी बी सेडान में आती है। फ्रंट लुक दोनों का देख सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ये मेरा गेम है। और आज हमारे साथ हैं रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। और रमीज भाई के पास है टोयोटा प्लाड्स और मेरे पास है मित्सुबिशी लांसर GLX, ठीक है। तो आज हम जो है वो डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि जब स्पेशली लोग जो है मुझसे सवाल करते हैं यार हमें लांसर लेनी चाहिए या प्लाट लेनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए जो इस वीडियो में डिटेल में हम रिव्यू में बताते हैं कि दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या है। प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है रमीज भाई? हाँ, तकरीबन 16-17 की रेंज में। हाँ, दोनों प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो बाकी हम फर्दर आपको डिटेल में बताते हैं। अच्छा, तो रमीज भाई आपने प्लाट रखी हुई है, ठीक है, ये कौन सा मॉडल है आपका? 2005। अच्छा, 2005 मॉडल है ये। और ये 1300 cc? ये 1000 है। ये 1000 cc है, 4 सिलेंडर इंजन के साथ। अच्छा, और इसमें कितने वेरिएंट आते हैं? इसमें 1000 आता है, 1300 आता है, 1300 आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना बहुत रेयर है 1300, और 15 तो है ही नहीं। अच्छा, तो पाकिस्तान में नहीं है? जापान में आते हैं ये तीनों वेरिएंट। सही हो गया। अच्छा, सेम गोस फॉर मित्सुबिशी लांसर। मित्सुबिशी लांसर में 1.3 आता है, 1.5 आता है, 1.8 आता है, और उसमें 2000 भी आता है, ठीक है। इसमें भी वही कुछ जापानीज वेरिएंट है, कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो इम्पोर्ट किए थे दीवान मोटर्स ने, वो ओवरऑल पाकिस्तान में सेल हो रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं इंजन कैपेसिटी की बात करूं मेरे वाले की, तो ये 1300 cc इंजन है, ठीक है। और फ्यूल एवरेज आप लोगों को हम बाद में बताएंगे, आप जो है वो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा रमीज भाई, मुझे ये बताएं कि अभी 0 मीटर आपने गाड़ी माशाल्लाह तब से लेके अब तक रखी हुई है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ? मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, और इसकी मुझे ऑफर भी बड़ी आती है। अच्छा, और क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है और इस प्राइस ब्रैकेट में अगर मैं फॉर एग्जांपल बेचता भी हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं आता एक्चुअली। मैं हैरान आती है, ये तो है, हैरान आती है, ये तो है। जो इसमें फीचर्स हैं और जो कुछ काम मैंने भी करवा लिया इस गाड़ी के बाद में, सही है। तो अच्छा, मैं आपको ना रमीज भाई के छोटे छोटे काम दिखाऊंगा। ये जो है वो प्लाट में मजे ले रहे हैं फॉर्चूनर वाले, तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ छोटी छोटी चीजें। मैं खुद हैरान हो गया हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे पक्का, ठीक है। अच्छा, तो रमीज भाई अब मुझे ये बताएं कि अब आपकी गाड़ी को हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यार इंटीरियर देखने वाला इनकी गाड़ी का, ठीक है रमीज भाई, आए यार। अच्छा, तो यार अब मैं आप लोगों को इंटीरियर दिखाता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से इंटीरियर मैंने अभी तक जो है ना प्लाट इतनी साफ गाड़ी नहीं देखी रमीज भाई। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि माशाल्लाह इतनी आपने जो है वो साफ सुथरी गाड़ी रखी हुई है। ये आफ्टर मार्केट है? आफ्टर मार्केट है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज आफ्टर मार्केट? ये पुश स्टार्ट लगा हुआ, कीलेस एंट्री है गाड़ी। तो आप भाईजान अगले ने गाड़ी जो है वो पुश स्टार्ट करा दी है। अच्छा जी, कीलेस है, सिर्फ पुश स्टार्ट नहीं है, कीलेस जी, कीलेस है माशाल्लाह, ठीक है। तो एक ये अच्छा, कीलेस से क्या मुराद है? कीलेस में ये होता है कि जब आप गाड़ी के करीब आते हैं ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। अच्छा, और ये मुझे लगवाने के बाद एहसास हुआ कि ये थोड़ा सा एक पेन भी है। अच्छा, तो मैंने वो फीचर फिलहाल ऑफ किया हुआ है। सही है, बटन दबा के ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें कीलेस है, ये पार्किंग सेंसर लगे हैं फ्रंट और बैक के। अच्छा, ये एक्टिवेट होते हैं तब जब आप मतलब रिवर्स करेंगे। सही है। और इसके अलावा आफ्टर मार्केट ये लगा है, हाँ, इसके अंदर एक TPMS लगा हुआ है। सही है, प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो चारों टायर्स का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बताता है। अच्छा, दोनों बताता है। तो ये कनेक्ट किया हुआ है अपने टायर्स के साथ? कनेक्ट किया हुआ है टायर्स के साथ। आप ये देखें, अगर ये ओपन करूंगा नहीं यार, तो ये अभी बताएगा कि टायर चारों टायर की कंडीशन क्या है। ओ वेरी नाइस, ये सब कुछ बता रहा है इसके अंदर। वेरी नाइस यार, ठीक हो गया, सही है। तो अच्छा, इस आपने जो है वो कैमरा सेंसर भी लगाए हुए हैं, पार्किंग सेंसर, पार्किंग सेंसर, ठीक है। और साथ में आप कह रहे थे कि इसमें आप 360 कैमरा अभी लगने हैं, वो अभी तक ना मतलब मुझे मिले नहीं जो इसके साथ कंपेटिबल। सही है, सही है। और ये आपने जो है वो कर्टन शटन, तो वो शस्त्र। अच्छा रमीज भाई, आप लोगों को हैरान कर दें, परेशान कर दें इस साइड वाले शीशे बंद करके। इसके अलावा हाँ, ये साइड वाले शीशे भी जो है ना, ये भी गाड़ी जब अनलॉक होती है ना जी, तो ये साथ फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे ही मैं गाड़ी अनलॉक करूंगा, ठीक है, तो ये जो है ना ये अपने वो वापस वापस अपने खुल जाएंगे, ठीक हो गया।
वेरी नाइस। अच्छा ये आपने फीचर भी गाड़ी में आता नहीं है, ये रमीज भाई ने बाद में इंस्टॉल हाँ, करवाया। ये एक्चुअली एक किट लगती है जिसके सही है, साथ ही आपके मिरर्स जो है ना ऑटो हो जाते हैं। सही है। अच्छा अब ओवरऑल रमीज भाई, हम गाड़ी से उतर के ना लोगों को आपका इंटीरियर दिखा दें गाड़ी का, कि गाड़ी में क्या सिस्टम है। I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. अच्छा जी, ये जो है सीट्स इनके ओरिजिनल है, इन्होंने कुशनिंग करवाई हुई ऊपर, कुछ नहीं करवाई है, बकेट्स करवा के ठीक इसको है। फिर पोशिश करवाई थी, लेकिन सीट्स ओरिजिनल है, सीट्स ओरिजिनल है, इंटीरियर सारा अपने जगह पे ओरिजिनल है, ओरिजिनल है ठीक ईच एंड है। एवरीथिंग, इवन आर्म रेस्ट भी ओरिजिनल है, अच्छा आर्म रेस्ट आर्म भी, रेस्ट और भी ओरिजिनल है, इसकी भी कुशनिंग करवाई है, इसको थोड़ा सॉफ्ट करवाया है। लुक्स में माशाल्लाह आपने ओवरऑल ये सारी आपने मैट शेड करवाया हुआ है नीचे से फ्लोरिंग। उसके बाद बैक सीट्स भी अगर आपको दिखाऊं तो गाड़ी के, अगर आप दरवाजे तक दिखाऊं तो इन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन रखी हुई, क्योंकि इन्होंने 0 मीटर शुरू से लेके अब तक इनके फादर ने ली और तब से माशाल्लाह इनके पास। कितने साल हो गए इसको? मेरे पास 16 ईयर से है, 16 साल हो सोलह गए साल से माशाल्लाह इस गाड़ी को। फ्रेश इम्पोर्ट थी जब गाड़ी अच्छा ली थी। फ्रेश इम्पोर्ट के बाद आपने बाय कर लिया, ठीक है। ये ओवरऑल माशाल्लाह गाड़ी का इंटीरियर है, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा था, इसके बैक सेंसर्स, रमीश भाई इसके बैक सेंसर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? ये चार लगे, ये वन टू थ्री वन फोर टू थ्री और वो कोने पे फोर। और एक ये बैक कैमरा, अच्छा ये बैक कैमरा लगा हुआ है। और इसे और इसकी एक और चीज है जी, कि आपकी जो डिक्की है ना हाँ वो भी चाबी से खुलेगी, लें भाई चाबी से खुलती है लें इसकी। भाईजान, सारा कुछ रमीश भाई, मैं तो हैरान हूँ कि ये सब हो भी जाता है। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नहीं आइडिया था कि इतना कुछ हो भी जाता है गाड़ी में, ठीक है। और फ्रंट पे भी जो है ये पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं, इन केस अब आप पार्क शार्क करते हो तो ये टीटी पापा करेगी गाड़ी, ठीक है। अच्छा रमेश भाई मुझे बताइएगा, अब जैसे आपने शुरू से ही ये प्लाट्स रखी हुई है, अगर मैं आपको कहता हूँ आप शिफ्ट हो जाओ मित्सुबिशी की तरफ, तो आप क्या सोचते हो? मैं बेसिकली अभी अगर शिफ्ट करूंगा अभी ना किसी हाँ गाड़ी पे, तो वो फ्लैट्स मेरे पास होगी, वो ये नहीं होगा कि अच्छा फ्लैट्स नहीं होगी, सही उसके है, अलावा जिस मतलब कोई गाड़ी और ले सकता हूँ सही है। कि, लेकिन ऑब्वियसली अब पुरानी किसी गाड़ी पे नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा पुरानी पे, क्योंकि सही है मेरे पास एक स्विफ्ट भी है पुरानी 87 मॉडल, तो सही है, पुरानी पे तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो फिर किसी लेटेस्ट गाड़ी पे जाऊंगा ठीक जो है इसके साथ चले। ठीक है। अच्छा ये ओवरऑल इस गाड़ी में कम, जैसे अभी ये जैपनीज है राइट, तो कंफर्ट, फ्यूल एवरेज, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या, इसमें क्या आपका? अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना करंट यारिस से, सही है, अच्छा ये भी एक्चुअली जापान में या दूसरी जगहों पे ना ये यारिस का फर्स्ट जनरेशन कहलाया जाता है, ओके ठीक है तो सही जो करंटली यारिस आ रही है यारिस की थर्ड जनरेशन है। अगर मैं थर्ड है। जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करूँ ना सीट्स की कंफर्ट के ऊपर, अभी तो मेरी बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, ठीक इससे है पहले जो थी ना वो भी स्टिल करंट यारिस या करंट होंडा सिटी से बहुत बेहतर थी, अच्छा मतलब आप इस्लामाबाद अप एंड डाउन करो तो मुझे थकावट नहीं होती थी। मैंने इस गाड़ी पे सही बहुत है सही इस्लामाबाद या नॉर्थ साइड का किया है, है ठीक थकावट नहीं हुई इस गाड़ी के ऊपर मुझे, है सही है। तो मतलब ओवरऑल आपका ओवरऑल मेरा बड़ा बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, सस्पेंशन बहुत जबरदस्त है इसकी, ठीक आजकल की है गाड़ियों में ऐसी सस्पेंशन नहीं आती, तो सही है सही माशाल्लाह से बड़ा अच्छा, उस टाइम की गाड़ियों के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी थी। माशाल्लाह सही हो गया। अच्छा अब इसी तरह बिसाइड में बात करूं मित्सुबिशी लांसर की, तो लांसर मेरे पास शुरू से नहीं है, मैंने बाद में बाई किया उसको काफी टाइम बाद। और इसमें जो है वो मतलब मुझे आई गेस 2 साल या साल सवा साल हुआ होगा इसको लिए, लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। देखिए बात वो है कि आपने वो एक्सपीरियंस की हुई है, मैंने ये की हुई है, ठीक है। तो मैं भी आउट ऑफ सिटी बहुत ट्रैवल किया है, मैं मुल्तान गया हूँ उस पर, मैं साहिवाल गया हूँ, मैं इस्लामाबाद गया हूँ, अभी मेरा नॉर्थ का भी प्लान बन रहा है। इसमें जो है वो अलहमदुल्ला मुझे अब तक कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं कोई बहुत थकावट वाली ड्राइव कर रहा हूँ या कुछ इस तरह का है। तो मुझे भी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला मैं बड़ा सेटिस्फाई रहा हूँ इस गाड़ी से। मुझे पर्सनली जो इस गाड़ी में अच्छा लगता था गाइस, वो अच्छा लगता था इसकी लुक्स, ठीक है। इसकी लुक्स जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अब आप देखें इसको प्लाट को, लुक्स इसकी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों समहाउ समवेयर ना इसकी मुझे लुक थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट लग रही होती है, ठीक है। ये इसकी एक वजह है, जो लांसर है ना हाँ वो कैटेगरी बी सेडान में आती है, तो सही है और जो प्लैट्स है ना ये कैटेगरी ए सेडान में आती है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको छोटी लगेगी, इसके तकरीबन 2 से 3 इंच छोटी भी है लांसर अच्छा से विथ में, अच्छा नहीं प्लाट्स बड़ी है, प्लैट्स छोटी है, छोटी है, लांसर बड़ी है, सही हो गया। अच्छा ये बी में है, वो ये ए में वो है, ए में है, और इससे ऊपर फिर वो होंडा सिविक, टोयोटा क्रोला, वो सी कैटेगरी में आती है।
ठीक है, मतलब इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ जी, ए कैटेगरी सबसे छोटी है और डी अच्छा कैटेगरी सबसे बड़ी है। इसमें करंटली अच्छा डी में कैमरी, अकॉर्ड और सोनाटा, ये मार्केट्स तीन वगैरह गाड़ियाँ नहीं आती हैं। कंफ्यूज होती। वो आई थिंक या तो डी है या डी प्लस है। अच्छा सही हो गया। तो अब मैं आपको इस गाड़ी का दिखाता हूँ इंटीरियर, आओ बैठो बैठो, जावड़ा ला। ओके, तो यार ये मिट्सुबिशी लांसर GLX 1.3 का जो है वो इंटीरियर है, ठीक है। इसमें वुड इंटीरियर आता है, एक ग्रे आता है और एक ब्लैक आता है, ठीक है। सबसे जो पसंद किया जाता है वो वुड वाला ही है, इत्तफाकन वो है। बाकी इसमें 1.5 में सनरूफ आता है, मेरे पास इस गाड़ी में सनरूफ नहीं है। और अगर मैं बात करूँ मिरर्स की, तो इसमें जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो मिरर एडजस्ट करने के ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, और बाकी स्टेयरिंग के और उसके कलर स्कीमिंग काफी हद तक मैच हुई हुई है। ये पहले का ही है, आफ्टर मार्केट कुछ नहीं हुआ हुआ। ये भी सारा पहले का है, ये भी सारे अपने ओरिजिनल कंडीशन में। इसमें आफ्टर मार्केट है तो सिर्फ ये लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ओवरऑल इसमें लेग स्पेसिंग वगैरह जो है वो काफी अलहमदुल्ला अच्छी है, मैं सेटिस्फाई हूँ। और बैक पे भी जो है वो लेग रूम काफी ज्यादा है। देखिए हम दो जैपनीज गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि शायद बनता नहीं है। कंपैरिजन बनता था प्लाट्स का किसी लोकल गाड़ी के साथ या मिट्सुबिशी के किसी लोकल गाड़ी के साथ, वैसे तो कंपैरिजन कोई हम कर भी सकते हैं अलहमदुल्ला। वो अपनी जगह अच्छी है, ये अपनी जगह अच्छी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, रमीज भाई ने हमें हाईलाइट किए। तो ये ओवरऑल इसका जो है वो गाड़ी का इंटीरियर है। ये ऑटोमेटिक है, आपकी मैनुअल है, ऑटोमेटिक आपकी भी ऑटोमेटिक है। अच्छा हाँ सॉरी, आपकी भी ऑटोमेटिक है। बाकी ये सारा इंटीरियर का प्रीव्यू है, मैं आपको उतर के भी इसका प्रीव्यू करवा देता हूँ। इसके साइड मिरर जो है वो मैनुअल है, ठीक है, कंपनी से मैनुअल ही आते हैं, मैंने ऑटो नहीं करवाए हुए। अब रमीश भाई ने मशवरा दिया तो यार हम करवा लेंगे। ये इसका ओवरऑल जो है ये लुक है। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको जो है कंपैरेटिवली दोनों में से कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है। और ये इसका पीछे से है, ठीक है, ये वाटरमेलन बड़ा हुआ है हमारा, ये चेक करेंगे पीछे से इसका स्पेस है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बैक से दोनों की लुक दिखाऊं, तो इसकी पीछे से प्रीव्यू जो है वो बैक लुक इस तरह है, और प्लाट्स की जो है वो बैक लुक ये है। बाकी आई गेस उसमें दोनों गाड़ियां सेम ही है, ठीक है। लेंथ में नहीं, लेंथ में आई गेस मिट्सुबिशी लांसर मुझे बड़ी लग रही है। हाँ लेंथ में थोड़ी सी डिफरेंस है, ये यहां तक है, मिट्सुबिशी लांसर थोड़ी सी लंबी है, ज्यादा वो डिफरेंस ऐसे नहीं ही है। इतना ही फर्क। और अगर मैं फ्रंट, वो चाबी निकाल ली है बस सही है। अगर मैं फ्रंट लुक दिखाऊं दोनों का, तो आप फ्रंट लुक दोनों का देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लेफ्ट साइड पे लांसर है और राइट साइड पे हमारी प्लाट्स खड़ी, माशाल्लाह दोनों व्हाइट कलर में, और दोनों बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में, और कंफर्ट जोन में भी दोनों को जो है पूरे नंबर हैं। तो अब हम जो है वो रमीश भाई के साथ दोबारा मुखातिब हो जाते हैं। अच्छा रमीश भाई, अपना काफी लोगों का जो मेन सवाल होता है वो होता है यार आपने पुरानी गाड़ियां रखी हुई हैं, ये गाड़ियां आपको तंग कितना करती हैं? मेरी कोशिश ये रही है हमेशा से कि गाड़ी की जो मेंटेनेंस है ना वो मैं टाइमली करवाता रहूँ, ठीक मेन चीज यही है। है। और इस वजह से ना मुझे गाड़ी ने कभी मेजर प्रॉब्लम नहीं दी, इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और मेनली सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सही है। लेकिन अच्छा इसका एक दफ़ा सिर्फ मैंने सस्पेंशन का काम करवाया था, उसके अलावा एक एक, दफ़ा। इसके अगर बात की जाए तो घोड़े अभी तक जेन्युइन है, अच्छा और नाइस इसके शॉक्स लास्ट ईयर चेंज हुए थे पहली सही है, दफ़ा, बेहतरीन हो गया। और उसी के साथ इसकी कंघी अभी रिप्लेस हुई थी। 2008 में ली ना ये गाड़ी, तो मैंने करवा ली ये सीएनजी, और ये 6 साल सीएनजी पे चली। सीएनजी करवाने से पहले इसकी जो फ्यूल माइलेज थी ना, आई थिंक मैं 17 से 18 थी शहर के अंदर, और सीएनजी करवाई, सीएनजी पर 6 साल चलाई। सीएनजी पे ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ती थी, इसमें 8 से 9 किलो गैस पड़ती थी और तकरीबन 250 किलोमीटर ये चल जाती थी एक शहर के अंदर, नाइस, ठीक है, और विदाउट एसी, अच्छा विद ठीक एसी 20 से 30 कम चलती थी। है, सही और उसके बाद जब मैं इसको सीएनजी से पेट्रोल पे दोबारा कन्वर्ट किया ना, तो माइलेज थोड़ी सी खराब हुई। स्टिल मुझे ये था कि शहर के अंदर ये 14 से 15 दे रही थी, और ये जो एसी है के ना, साथ मुझे 13 तक मिल रही थी इसमें नाइस, माइलेज, ये और जो है आज भी मिल ना, रही है। अब जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में कि ये इनका सीएनजी लगवा के हटाने से माइलेज खराब क्यों हुआ, ठीक है। इनको तो पता होगा, मुझे भी आइडिया हो गया, लेकिन अब आप लोगों ने बताना है। और वैसे रवि भाई, मेरा ख्याल है सीएनजी पे गाड़ी नहीं नहीं करवानी करवानी चाहिए। चाहिए, वो इतना बेसिकली जो पैसे उस टाइम से बचाए ना जी, वो वो गाड़ी गाड़ी पे बाद में लगे, थोड़े लग गए, वो बहुत फ्यूल की शक्ल वो में लग फ्यूल की गए शक्ल या में वो लग गए या क्या। जैसे भी लग गए वो हाँ लगे। जी, अभी ये मुझे शहर के अंदर 13 से 14 सही दे है, रही है विदाउट एसी, विदाउट एसी के अलावा क्या और है। हाँ और तकरीबन 12 से 13 मतलब देखो 1 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है मुझे एसी के साथ। सही है, अच्छा मुझे ये विद एसी अभी दे रही है 9.5-10,
विदाउट एसी मुझे 12-13 दे रही है शहर में, और लॉन्ग पे तो फिर ऑब्वियसली 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस होता ही है। डिफरेंट। सर रमेश भाई, अभी इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगी? इसकी मैंने कभी एक्चुअली बेचने के लिए लगाई तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले ना सही है, ये गाड़ी अपने रेगुलर मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप गई हुई थी, सही है, तो वहाँ पे मैकेनिक अंकल है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सही है, यार आपकी गाड़ी का कस्टमर आया है। मैंने उनको कहा, मैं कहा अंकल आपको पता तो है मैंने गाड़ी बेचनी नहीं है। कहते हैं यार फिर भी 16 लाख दे रहा है अच्छा, और ये 6 से 7 महीने की बात है, इस साल की शुरू हुई, तो मैंने मना कर दिया था। तो वो बंदा मतलब था कि गाड़ी मुझे चाहिए, तो बहरहाल नहीं रेसिंग देनी भी उसने देनी नहीं अंदर थी। से हाँ उसने अंदर से सारी देखी थी, उसने इवन स्टार्ट करके भी देखी थी गाड़ी, और उस वक्त इसमें ये पार्किंग सेंसर और ये साइड मिरर वगैरह ऐसा कोई कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्टॉक हालत में थी उस गाड़ी। तो उसमें फिर हम लोगों ने मतलब मेरा अपना जेन यही है कि 16-17 की रेंज में गाड़ी अच्छी मिल जाती होगी, मैक्सिमम भी 18 तक मिलती होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी इसकी वैल्यू।